अब देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है, वो सबके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। स्त्रियों को जब मासिक पाड़ी आती है ना, तो घर के जो पुराने बुजुर्ग हैं वो बहुत सारे कड़क नियम पालन करवाते हैं। स्वयंपाक घर में नहीं जाना, स्वयंपाक नहीं करना, भोजन नहीं बनाना, ऐसे करना वैसे करना वगैरह। इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे कुछ खास बात नहीं है, एक ही बात है कि जब स्त्री को मासिक पाड़ी शुरू होती है तो उसके पूरे महीने का सबसे महत्वपूर्ण समय वो है, सबसे महत्वपूर्ण का समय। और मैं विज्ञान की माहिती आपको एक देना चाहता हूं कि वो समय सबसे महत्वपूर्ण तो है ही, सबसे पवित्र भी। उसमें होता क्या है कि स्त्री के शरीर का जो गर्भाशय है वो अपने को स्वच्छ कर रहा है और आने वाली संतान के लिए तैयारी कर रहा है, तो इससे ज्यादा पवित्र और अच्छा तो कुछ नहीं किसी भी स्त्री के। तो उसकी पवित्रता सबसे ज्यादा उन्हीं दिनों में होती है जब वो मासिक पाड़ी में होती है। और पुरुष के बारे में मैं एक जानकारी देता हूं जो गुरुसूत्र के आधार पर है और साइंस के आधार पर है कि पुरुष स्वभाव से अपवित्र होता है। हाँ, इसमें आप हंसिए मत, ये सच है। पुरुष जो है स्वभाव से, चरित्र से, बाई नेचर, बाई करेक्टर अपवित्र होता है, इनप्योर जिसको कहते हैं, उसमें पवित्रता ज्यादा नहीं है। इसलिए आपको हैरानी होगी, भारत में बहुत सारे ऐसे देवस्थान हैं जहां पर पुरुष को जाने की अनुमति नहीं है। वो ये कहते हैं कि आपको देवस्थान में पूजा करनी है, अपनी पत्नी को लेकर आओ। मैं बहुत सारे देवस्थान में नहीं जा सकता। हाँ, मेरे साथ ये दुर्घटना हो चुकी है, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र में ऐसे बहुत मंदिर है। मैं अंदर गया, गर्भगृह में पूजा, उसने रोक दिया। पहले तो रोक दिया, ये वस्त्र उतारो, तो मैंने कहा ठीक है उतारता हूँ। फिर धोती पहनो, धोती माने लुंगी पहनो, मैं वो भी पहन लिया। फिर उसने पूछा आपका विवाह हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ, तो आप अंदर नहीं जा सकते। हाँ, मैं पूछा भाई क्यों नहीं जा सकता? उसने कहा आप पवित्र नहीं। हाँ, तो पहली बार मेरे जीवन में मैंने सोचना शुरू किया कि मैं पवित्र नहीं हूं। तो बाद में मैं वहां से लौट आया तो मेरे जो बहुत सीनियर गुरु हैं जिन्होंने मुझे चिकित्सा और ये सब सिखाया, क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ, इंजीनियरिंग फील्ड का, लेकिन चिकित्सा मैंने सीखी, तो जिन गुरुओं ने मुझे सिखाया मैंने उनके सामने ये प्रश्न किया कि मंदिर का पुजारी कहता है मैं पवित्र नहीं, पवित्र तब होता हूँ जब मेरा विवाह होता है, पत्नी साथ होती है। तो मेरे जो सबसे बड़े गुरु थे उन्होंने कहा कि पवित्रता स्त्री में ही होती है, पुरुष में नहीं होती। और उसका कारण ये है कि हर महीने उसका शरीर अपने पुराने कचरे को निकालकर नया धारण करता है, पुरुष में ये नहीं होता। इसलिए मासिक पाड़ी के दिनों का जो समय है वो सबसे पवित्र है। इसलिए कहा यह गया है कि इस पवित्र समय को फालतू के काम में बर्बाद नहीं करना। फालतू का काम क्या? स्वयंपाक करना, रोज होता ही है वो तो। फालतू का काम क्या? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये तो रोज चलता ही है। उन चार पांच दिनों में ज्यादा से ज्यादा क्या करना? ऐसा काम करना जो पवित्र ही है, जैसे ईश्वर का ध्यान करना, भजन करना, मन में थोड़ा सा संवाद करना अपने से, ईश्वर से। इसके लिए थोड़े फालतू कामों से समय को रखना बाहर। इसके लिए ये कहा गया कि दिन के जो सामान्य काम है वो उन चार पांच दिनों में नहीं करना। अब हुआ क्या, हमारे घर वालों ने इसका इंटरप्रिटेशन उल्टा कर दिया। इसका इंटरप्रिटेशन क्या कर दिया? ये खराब है, ये पवित्र है, वहां कोने में बैठ जाओ, किसी को छूना नहीं, किसी को ये करना नहीं। ये फालतू बातें हमारे घर में घुस गई, क्योंकि हमने विज्ञान को छोड़ दिया, खाली परंपरा को ले लिया। तो मेरा आपको ये कहना है कि मासिक पाड़ी के जो भी चार पांच दिन हैं वो सबसे महत्व के दिन हैं, सबसे पवित्र दिन हैं, उनमें सबसे अच्छा काम करना चाहिए। तो जो काम आपके नॉर्मल रूटीन में नहीं हो रहा है वो उन दिनों में आप करिए। जैसे डेली के रूटीन में आपको बहुत समय स्वयंपाक में जाता है, वो चार पांच दिन आप स्वयंपाक के समय को बचाकर आपके ईश्वर के ध्यान का समय, आपके प्राणायाम का समय, आपके साधना के समय में लगे, इसके लिए वो समय थोड़ा खाली रखते हैं। और पुरुष को कहा गया है कि वो परेशान ना करे अपनी पत्नी को और स्त्री को उतने दिनों में।
क्योंकि मैंने कहा ना, संयम स्त्री ही पालती है, पुरुष के बस की बात नहीं है। तो अक्सर पुरुष के संयम टूटते हैं, तो वो उन दिनों में तो संयम को कठोरता से पालन करे, ऐसा हमारे आयुर्वेद में निर्देश दिया गया। तो मासिक पाड़ी के समय सीना नहीं, फिरोना नहीं, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, इसके पीछे का अर्थ एक ही है कि आपका ये समय बचाकर थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ी समाधि की स्थिति में रहना। चार पांच बोल सकते धीमे स्वर में।